आप सीड की मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि मार्केट में अभी बहुत सारा पैनिक माहौल बना हुआ है, ये देखें आपके पास आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सारा सीड सोल्ड आउट हो चुका है। ये सीड को जब हम हार्वेस्ट करके ले आते हैं तो अंदर स्टोर में लाके इसको हैंग कर देते हैं, वो जो सामने सीड पड़ा है वो भी अब इसके बाद उसकी हमने प्रोसेसिंग करके ऐसे ही जैसे ये भी थैलों में बना के हमने इसकी तुरियां हमने ये भेजना है। इसका कलर साइज चेक करें और ये इसमें से हमने ग्रेडिंग करके इसमें से जो छोटी पीस है मतलब या कोई फंगस वाला पीस वो सब निकाल दिए हैं। आज आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जी, उन दोस्तों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि जीवन लेसन जिंदा है या मर चुका है। तो यकीन करें इस सिलसिले में हम लोग स्पेशली भाई से रिक्वेस्ट करके पूरा हफ्ता लगा के डस्का से उकाड़ा आए हैं, एक पढ़े लिखे किसान से मिलने आए हैं। ये किसान की एक लंबी जुड़ी लाइफ की स्टोरी है जमीनों से जुड़ी हुई, लेकिन 2023 में ये एक फसल जो कि जीवन गार्लिक है, जिसके बारे में कुछ लोगों का गुमान है कि ये बिकती नहीं है, ये चलती नहीं है, ये बेकार किस्म की फसल है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सीड माफिया लोग जो बीज बेचना चाहते हैं वो लोग ये बातें करते हैं कि जी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। लेकिन यकीन करें जब यहाँ इनसे मुलाकात हुई है, आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह रौनकें और अंदर इनके गोदाम देख के मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। और जो लोग इनके पास रश था, ये जितने भी पैकिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये सीड्स जो यहाँ से जा रहा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे, यहाँ पे ये इतनी रौनकें माशाल्लाह अभी तक कैसे हैं और आने वाले वक्त में ये तारिक साहब का भी क्या वही हाल होगा जो बाकी लोगों को हुआ, अगर इनका वो हाल नहीं होगा तो वो वजह क्या होगी, तमाम तर डिटेल तारिक साहब की जबानी जानते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। किशन भाई ये वही सीड है जिसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, अभी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, लेबर थोड़ा गई है रेस्ट पे, तो ये अभी पैकिंग हमने की है। ये दो मेरे कस्टमर हैं सिंध से मुख्तलिफ जगहों पे, ये तुरियों के फॉर्म में मैं उन्हें भेज रहा हूँ क्योंकि ट्रेवल करके जाना है, बल्ब या स्टेम के साथ जाना थोड़ा मुश्किल था, तो अभी चूंकि जो टाइम जा रहा है इस टाइम पे अगर तुरियां बन जाती हैं तो उसमें मसला नहीं है। ये हाई क्वालिटी सीड है, ये हाई क्वालिटी सीड है, इसमें दिखाएं हमें जरा वाजिया करके दिखाएं, क्लोज आ जाए कैमरा जरा, ये देखिए ना इसकी क्वालिटी आपके सामने है। ये एक लेसन है, ये दो है, ये तुरियों की शक्ल देखने, इसका कलर साइज चेक करें और ये इसमें से हमने ग्रेडिंग करके इसमें से जो छोटी पीस है मतलब या कोई फंगस वाला पीस वो सब निकाल दिए हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा किस्म का ए प्लस क्वालिटी आप इसे कह लें, इसमें से माशाल्लाह कोई भी सीड जाया नहीं होता। अच्छा कुछ प्रोडक्शन बहुत कुछ जगह पे ना मैंने सीड देखा कि उनको फंगस वगैरह लग जाती है, वो क्या वजह होती है, वो क्वालिटी का इशू है या अपना स्टोर करने का तरीका? जब आप सीड को पूरा ड्राई नहीं कर पाते ना तो उसमें फंगस वाले इश्यूज आते हैं, जो जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं ना, हार्वेस्टिंग करने के बाद वाले जो 10 दिन है इसके, वो बहुत टेक्निकली थोड़ा इसको देखना पड़ता है, तो कुछ लोग वैसे उठा के से वेयर उसमें ले आते हैं, हम इसको ओपन सनलाइट में ड्राई करते हैं, हमारा मेथड है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बना के वो चीजें आगे फॉरवर्ड की हुई है, उसमें मसले मसाइल नहीं बनते। अच्छा इसकी क्वालिटी और प्योरिटी जो खालिस चीज है या कह लेंगे ओरिजिनल जीवन गार्लिक, किसी को समझाना हो तो किस तरह समझाते हैं कि भाई ये जीवन गार्लिक ही है, अगर आपके पास कोई बंदा आ जाए तो? अजीशान भाई मैंने पहले भी बताया आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके साथ मिलती जुलती वैरायटीज जो है हमारे जो साथ हमसाया मुल्क है इंडिया में भी लगी हुई है, तो लास्ट टाइम भी जो क्वालिटी डिस्टर्ब हुई है, प्योरिटी के मसले बने हैं, वो इंडियन सीड आया था लेकिन उसके जो इंडियन ब्रीड है ना वो इतना साइज अच्छा नहीं बनाता, उसका साइज थोड़ा छोटा रह जाता है, लेकिन तुरियों में जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है ना तो फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाती है। तो सर आप कंफ्यूज नहीं होता है, आपको पता चल जाता है? हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, हम 3-4 साल से कर रहे हैं और पिछले दिनों में भी बहुत सारे दोस्त परचेजिंग करते थे कहीं से, तो वो पहले सीड हमें दिखाते थे, तो जो चीजें उसके अंदर हमें नजर आती थी हम उनके लिए बता देते थे ताकि यार इनका फायदा हो जाए, ये इनके पैसे जाया ना हो। चलें बेहतरीन हो गया, ये पीछे जो सीड पड़ा होगा ये, हाँ जी ये भी उसको भी इंशाल्लाह बल्ब की शक्ल में जाना है, ये विद आउट स्टेम जाएगा, इसकी डिलीवरी जो हम करेंगे वो 20 जून को करनी है, ये अभी आज माल कुछ लोड हो जाना है और कुछ सुबह लोड हो जाना है, ये शेल्फ में हमने तैयार करके सीड रखा हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये दिखाएं अगर भाई। अच्छा रेट की बात करें तो फिक्स रेट है या कोई मार्केट का रेट चल रहा है, कोई इस तरह का मामला था लोगों को गाइडलाइन के लिए? और आपके पास जो मौजूद सीड है ये सारा एक ही किस्म का है या मुख्तलिफ दिन होते हैं इसमें, शायद को 10 दिन का ड्राई है, को महीने का ड्राई है, किस तरह का सीड आपके पास किस तरह का मौजूद है? दिशान भाई इसमें वेट का रेट और होता है, ठीक है,
और ड्राई जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, तो फिर जैसे इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, उसके बाद दिनों के हिसाब से इसके रेट होते हैं। या थोड़ा रेट कम करें, आम इंसान के काम आ सके, आम बंदा भी लगा सके, तो रेट कम करने के भी कोई प्लान है मार्केट में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम जस्ट ये देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो हमने परचेजिंग की थी लगाने के लिए, या कुछ दोस्त हमारे साथ इन्वेस्टर अटैच थे, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हमने रेट फाइनल किए हैं। अदरवाइज हम अप्लाई करते हैं फार्मर को, कम रेट पे भी माल दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो रेट इंशाल्लाह कम रेट पे भी देंगे, लेकिन क्वालिटी का जब मैटर आएगा तो फिर थोड़ा रेट पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा उन्हें। चले बेहतरीन हो गया जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सीड है। मैं आपको क्लोज लुक भी दिखाता हूँ, एक एक तुरी जी देख सकते हैं, किसी में कोई साइज का फर्क नहीं लग रहा। और हैरानगी की बात यह सर, इसमें जो छोटा बेबी सीड है वो जो बच जाता है उसका क्या कर दें? निशान भाई ये आपने पहले भी पूछा था तो मैंने इसलिए थोड़े सीड उठा लिए। ये बेबी सीड है, ये इसकी जड़ों में हर बल्ब के जड़ के साथ कोई 10 से 12 दाने ये तैयार होते हैं। इसके दो बड़े फायदे हैं, एक फायदा जो है पाकिस्तानी जो फार्मर है उनको पता है, दूसरे फायदे का पता नहीं है, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। एक तो ये सीड के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसको हम जब लगाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो ये राउंड बल्ब की शक्ल में निकलेगी। उसमें कोई बड़ा साइज होगा, कोई छोटा साइज होगा, कुछ 70% आपके ये तो ऐसे जैसे प्याज है, प्याज की शक्ल में है, लेकिन ये आपकी नई जनरेशन तैयार हो जाती है नेक्स्ट सीड के लिए। जब आप इसको नेक्स्ट लगाते हैं ना तो फिर आपकी बड़ी भरपूर क्रॉप आती है इसमें से। हाँ, इसमें से। तो ये आपका यानी कि आप कह लेंगे नया सीड आपका तैयार होता है, इससे इसकी नई नस्ल तैयार हो जाती है, नई नस्ल निकल आएगी। हाँ जी, एक तो ये फायदा इसका है। अगर आप यूट्यूब गूगल पे जाकर सर्च करें इस बेबी सीड को कश्मीरी गार्लिक लिख के, तो पूरी दुनिया में इसकी इतनी डिमांड है कि आप सोच के परेशान हो जाए। ये जो मेडिसिन बनती है ब्लड प्रेशर की, हार्ट पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो इससे तैयार होती है। ठीक, तो इसकी आप कह लें कि बहुत बड़ी एक मार्केट है, जितना छोटा है उतना बड़ा मार्केट है। उसकी इसकी खासियत, इसकी हिफाजत उतनी ही ज्यादा है। बेहतरीन, ये मेरा पैगाम है कि जीवन गार्लिक को आम समझ के ना छोड़ा जाए, इस पर थोड़ी मेहनत की जरूरत है। तो इंशाल्लाह इसकी हर चीज बिकने वाली है, इसके पत्ते भी बिकते हैं, इसके बेबी सीड भी बिकता है, इसका स्कैप जो ऊपर निकलता है फूल सा, उसका पिकल बनता है। बहुत सारे लोग उसका शौक से पिकल बना के उसे यूज करते हैं, उसका पाउडर भी बन जाता है। ठीक ठीक, यानी कि इसकी हर चीज यूज, हर चीज में फायदे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बड़ा मासूमाना सवाल आखिरी करना चाहूंगा, क्या जब ये आम रेट पे बिकना शुरू हो जाएगा इसे छोड़ देंगे या करते रहेंगे? अगर करते रहेंगे तो क्या वजह होगी? मैं आपको बता, ये छोड़ने वाली चीज है ही नहीं, मैं क्यों छोड़ू? अभी हमारे पास माशाल्लाह 24 एकड़ की प्रोडक्शन थी, नेक्स्ट हम 40 से 50 एकड़ पे भी जा सकते हैं और जाएंगे, और इंशाल्लाह 2025 में हम 100 एकड़ पे जा रहे हैं। इस पे मैं कहता हूँ हमारा 200 रुपए किलो के हिसाब से सेल होता है, तो 200 मन आप निकालते हैं, बिल्कुल 8000 किलो निकालते हैं, तो 8000 किलो का मतलब है 16 लाख का 200 के हिसाब से। देखें कौन सी क्रॉप आपको 16 लाख रुपए का एकड़ होगा आपका, जब आपका 200 रुपए पे सेल होगा, आपका सीड भी सस्ता होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी है? एक एकड़ पे 2 से 3 या 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखें, 4 लाख रुपए लगाएं और 16 कमाएं, तो देखिए कितना इसमें मतलब आपका रेवेन्यू है। और कोई और क्रॉप है इसके मतलब मुकाबले जो इतना बेहतरीन होगा? बेहतरीन होगा। अभी तो इसका मजा आना है, जो पहले लोग ले चुके हैं। हाँ, नहीं नहीं, अभी तो इसका भी इसका काम शुरू अभी हो रहा है, जो पहले था वो तो सीडों के तौर पे था ना, अभी प्रोडक्शन इसकी मंडी में जाएगी, ये एक्सपोर्ट होगा, ये वैल्यू एडिशन की तरफ जाएगा। तो अभी मोस्टली जो इसका फायदा अभी है, कॉमन क्रॉप बन के जब निकलेगी, आम जो फार्मर है वो भी इसको परचेज करके लगाएगा, तभी इसका इंशाल्लाह ज्यादा मैक्सिमम फायदा होगा। बेहतरीन होगा। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका रवैया है। लोग बीज बेचने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, जी मैंने इतना कमा लिया। आपसे मैंने पूछा बिहाइंड द सीन, तब भी आपने कहा निशान भाई अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतरीन। लेकिन मैं ना एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, अगर मैं सादा सा ये कहूँ कि सर आपकी कामयाबी की वजह क्या है, आप इसमें इतना कामयाब कैसे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? निशान भाई दो तीन चीजें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। एक तो ये है कि आपके जो आप मैनेजमेंट का रोल लोग कहते हैं ना कि है इसमें, मैं उसको थोड़ा बैक पे ले जाता हूँ। पहला काम मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी कोई काम करते हैं ना, उस पर अपने अंदर को साफ कर लें, मुनाफ़त को निकाल दें, और बेलॉस होकर मेहनत करें। अल्लाह ताला की जात कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देगी, पहली बात तो ये होगी। दूसरा मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह ताला के साथ साझेदारी डाल लें, उशर वाली मैंने बात की है, उशर निकाल खुदा ने खुद ऑफर किया होगा, ठीक वो निकाल लें आप। तीसरा जो चीज़ है आपके जो लोगों के साथ तल्लुकात है, लोगों को आप आगे डिलीवर करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कह लें आप, वो एक सदका जारिया होता है, उसमें कंजूसी ना करें, वो फेयर होकर बताएं उनको, नफा नुकसान फेयर होकर बताएं।
तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई लॉस होगा कहीं पे भी। माशाल्लाह, तो यही मेरा पैटर्न था। मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, मुझे नहीं पता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की जान ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि 650 मन मैंने एक एकड़ से निकाला है बैट। वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे 6 लाइनें लगी हुई थी, इस दफा मेरा 650 मन निकला है। ठीक, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सेल के हवाले से भी आपके सामने सारी बातें हैं, तो अब मैं अल्लाह ताला की जान का जितना शुक्र अदा कर लूँ वो कम है। चलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब, बड़ा मजा आया। एट द एंड दोस्तों को एक दफा फिर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, अपना एड्रेस वगैरह बताएं, अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहे गाइडलाइन के लिए, यानी कि सिर्फ बीस के लिए, कोई इलम के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो डिटेल दें। जिशान भाई, जो भी इलम मेरे पास है ना, मैं समझता हूँ वो आप जैसे दोस्त या कोई दूसरा फार्मर है उनकी अमानत है मेरे पास। तो अमानत जितनी जल्दी उसके पास पहुंच जाए उतना अच्छा होता है। मेरा मोबाइल नंबर है 03007537255, इसी पे मेरा व्हाट्सअप है। और CH तारिक ऑफिशियल के नाम पे मैं यूट्यूब चैनल यूज़ कर रहा हूँ, जिसपे मैं अपने फार्म के हवाले से जितनी वीडियोस बनती हैं वो बना के मैं अपलोड करता हूँ, ताकि दोस्तों की रहनमाई हो सके। मोबाइल पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मेरे पास कोई इल्म हुआ मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उससे फ़ायदा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारक भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। बहुत शुक्रिया, मान अल्लाह, रब रखा जी, थैंक यू।